बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं बना रही हूँ अनारकली बिरयानी। जो अज़ा अनारकली बिरयानी में जाएंगे वो ये हैं: बासमती चावल 2 गिलास, बकरे का गोश्त 1/2 किलो, 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, घी 1 कप, टमाटर पीसे हुए 5 खाने के चमचे, लहसुन अदरक 2 खाने के चमचे, 2 टुकड़े दालचीनी, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 10 दाने गोल साबित काली मिर्च, 4 अदद लौंग, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ 1 चाय का चमचा, नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 3 चाय के चमचे, शान सिंधी बिरयानी मसाला 1 और आधा चाय का चमचा, आलू बुखारे 5 अदद। गोश्त को हम मैरिनेट करेंगे साबुत गरम मसाले को छोड़कर, हम बाकी सारे मसाले डाल देंगे। शान सिंधी बिरयानी मसाला, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। लहसुन अदरक डाल दिया और इसको मिक्स कर लिया, बल्कि हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। गोश्त को हमने मैरिनेट कर दिया है, अब इसको हम 2 घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब चेक करते हैं मैरिनेशन। ये देखिए, अब हमारा गोश्त अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। घी डाल देंगे, घी गरम हो गया है, इसमें हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे। जब साबुत गरम मसाले से थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी फिर हम प्याज डाल देंगे। मुस्तकिल हमें चमचा चलाना है। और सॉरी, मैं ज़ीरा बताना भूल गई थी, तो हम 1/2 चाय का चमचा ज़ीरा भी डाल देंगे। अब मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे, पिसे हुए टमाटर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब देखिए, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है, मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है, तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी गोश्त गलने के लिए, 1 गिलास। और ये हम 2 गिलास मैंने पानी, क्योंकि गोश्त अच्छे से गल जाए। आप अनारकली बिरयानी बीफ में, चिकन में, मटन में, जिसमें भी आपको जो जायका अच्छा लगता है गोश्त का, उसमें आप बना सकती हैं। कवर करके पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। आप प्लीज़ इसमें आलू नहीं डालिएगा, क्योंकि आलू आप डालेंगे तो फिर वो टेस्ट मुख्तलिफ हो जाएगा। सबसे पहले मसाले का घी पतीले में डालेंगे और चावलों की 2 लेयर लगाएंगे। पहले हम 1/2 चावल डालेंगे और इसको फैला लेंगे। फिर जर्दे का रंग डालेंगे, मसाला डालेंगे, मसाला और गोश्त पूरा डाल देंगे हम, जितना हमने बनाया है। और इसको दम पे हम पका लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, अनारकली बिरयानी तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। पूरा हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, साइडों से मिक्स करेंगे, कि जिसको अगर सादे चावल खाने हैं तो वो सादे चावल मिक्स करके खाए, और जिसको मसाले वाले चावल खाने हैं तो वो मसाले वाले चावल मिक्स करके खाए।
मटन अनारकली बिरयानी इज़ रेडी। आई होप आज की अनारकली बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप अनारकली बिरयानी को इंजॉय करें रायते के साथ और प्याज के साथ, तो मज़ा दोबाला हो जाता है बिरयानी का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।